अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर जब हमारा चैप्टर नंबर जो था फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वो हो गया हमारा पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो ये जो अब सीरीज़ होगी, पहले चैप्टर की क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर था उसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हैं। अब आपको मैंने बताया था कि जो हाउ लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट वो वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा थोड़े एक दो दिन में, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोसेस हमारा झुका हुआ है अभी। तो हम अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी प्री इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है फिजिक्स के फिजिक्स में भी टॉपिक्स हैं, तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। अब पहला हमारा क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज डिपेंड ऑन लेंथ मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया दी नन ऑफ दीज। अब जो हमारी रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी थी, बट कोई भी वायर की, वो किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर। ये पहले आपसे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ठीक हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। व्हेन एन रेजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन रेजिस्टेंस देन रिजल्टेंट इज एक्स। व्हेन दीज एन रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इज। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि हमारे पास एन रेजिस्टर है, यानी 1 2 3 4 से लेकर अप टू इन्फिनिट रेजिस्टर तक, और सारे का सारे वैल्यू का है एक जैसा है आर, और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड उसका जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट वो हमारा एक्स आ रहा है। जब हम फिर कहता है जब हम इन एन रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी। तो आओ तो हम एक एग्जांपल एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकलेगी। तो स्केच बुक पर चलेंगे, वो हम लेंगे दो रेजिस्टर, दो एन मतलब जितने नंबर हो हम दो लेंगे, और आर वैल्यू है तो हम दो वैल्यू दोनों रजिस्टर टू टू वैल्यू वाले होंगे। आओ स्केच बुक पर हम चलते हैं। अब आर वन जो है वो 2 ओम एंड आर टू जो है वो भी 2 ओम वाला है। अब कह रहा है पैरेलल में, तो आर वन प्लस आर टू, ऐसे हम ऐड करते हैं पैरेलल में रेजिस्टर को, यानी 1/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम इनकी निकलेगी 2 1 प्लस 1 2/2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट एक्स आएगा वहाँ पर। हम यहाँ ये एक्स है हमारा, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब पैरेलल का जो कह रहा था एन रजिस्टर था उनका आर वैल्यू का एक्स रिजल्टेंट है, तो हम ये दो लिए रजिस्टर्स टू टू वैल्यू के, और उनका रिजल्ट क्या है, 1। अब इनको हम फिर से सीरीज में लगाएंगे। सो सीरीज में लगाने के लिए आर वन प्लस आर टू, यानी 2 प्लस 2 4, तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट 4। अब यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा एन स्क्वायर इंटू एक्स, यानी डी ऑप्शन। अब एन स्क्वायर कैसे, अब कितने रजिस्टर थे, 2 का स्क्वायर लगाएंगे। अब पैरेलल का जो रिजल्टेंट था वो 1, तो 4 2 का स्क्वायर 4
इंटू वन इज इक्वल टू फोर। ये आप देख सकते हैं आपका रिजल्टेंट भी सीरीज वाले का आ गया एन स्क्वायर एक्स, यानी मतलब एन स्क्वायर एक्स हम जब पुट करेंगे तो तब हमारा एक्स जो ये बनेगा, ये स्टेटमेंट जो बनेगी वो ये होगी, तब ये जाके सेटिस्फाइड होगा, तब जाके ये क्या होगा सेटिस्फाइड होगा। दूसरे का आंसर हो गया डी। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस पर। अब किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अब जो किरचॉफ्स लॉ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस कंजर्वेशन लॉ पर, वो आपका एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड है, यानी कि तीसरे का जो आंसर आएगा वो बी होगा। ठीक हो गया। अब आते हम फोर्थ क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन पर फोर्थ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम। अब एक हमारे पास वायर है उसका रेजिस्टेंस है आर, कह रहा है फिर द रेजिस्टर इज सॉरी द वायर स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, यानी अब फिर हमने वायर को स्ट्रेच किया इसकी डबल लेंथ के मुताबिक, देन इट्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन ओम इज। अब देखिए यहाँ पर जो है एक वायर है 2 मीटर की, फिर हम स्ट्रेच कर रहे हैं इसके लेंथ डबल करने के लिए, तो 4 मीटर हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस क्या थी आर, तो फिर जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बढ़ जाएगी 2/4। मैंने थ्योरी में ये आपको बताया है, फार्मूलास के जरिए आप उस पर चेक कर सकते हैं। नंबर पांचवा क्वेश्चन, द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑर्डर ऑफ, अब कह रहा है कि न्यूक्लियस एटम का जो न्यूक्लियस है उसका डायामीटर का ऑर्डर क्या है, तो वो है 10^-14। क्या होगा 10^-14 आपका आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, द मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, छठे का आंसर जो होगा वो आपको पता होगा, मैंने ये आपको बात बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पहले लेक्चर में, तो इसका आंसर जो होगा ये 1840 दफा बड़ा है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। आते हम सातवें क्वेश्चंस पर, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी 1.6×10^-19 कूलम इन अ सर्किट दैट करंट फ्लोज इन 1 एम्पियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बी द थ्रू सर्किट इन अ सेकंड। अब चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की वो 1.6×10^-19 कूलम है, अब सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट इन अ सर्किट क्या होगा। आओ तो हम स्केच बुक पर चलते, तो जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक से चार्ज है वो 1.10^-19 कूलम है और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका आंसर होगा इन 1 सेकंड में वो 1/1.6×10^-19। अब -19 जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस के माइनस 90 हो गए। अब 1/1.6 जो होगा आपका ये 0.625 कहलाएगा। ठीक होगा, तो चलते हैं देखते हैं आंसर कौन सा है, सातवें का जो है वो हमारा क्या है सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पर, कहता है कि 2 बल्ब्स मार्क्ड 20 वाट × 250 वोल्ट्स एंड 100 वाट × 224 का जॉइंट इन सीरीज टू
240 वॉट सप्लाई पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, इसके ऑप्शन जो है वो हमारे इधर दिए हुए हैं। तो चलते हैं इसके भी स्केच बुक पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एक पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। अब इसमें वोल्टेज जो है 250 है और दूसरे में जो है वो एक इसमें 20 वाट भी, और हमें दूसरा दिया हुआ है पी इज इक्वल वी स्क्वायर आर, इसमें 100 वाट है पावर दिया है और 250 जो है वो हमें वोल्टेजेस मिले हुए हैं। तो अब हमने इसको करना कैसे, पहले इसका भी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, इसका भी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। तो R इज इक्वल 250 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 20 वाट, क्योंकि R इधर चला जाएगा और P जो पावर जो है वो इधर आ जाएगा। इसमें भी R इज इक्वल ऐसा ही 250 होल स्क्वायर और अपान में 100 वाट, इसमें 100 वाट है। इसका जो आंसर निकलेगा आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो आंसर निकलेगा ये निकलेगा 312.5 ओम, और इसका जो हमारे पास निकलेगा रेजिस्टेंस वो निकलेगा 625 ओम निकलेगा। अब कह रहा है कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है, सीरीज में R1 प्लस R2 होता है हमेशा। तो आप जब करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 937.5 ओम, ये सीरीज इनका सीरीज का रिजल्टेंट निकल आया। अब हमने क्या करना है, पावर मालूम करनी है इसमें से, इस रेजिस्टर में। तो फार्मूला पी स्क्वायर पी इज इक्वल वी स्क्वायर अपान में आर। अब वी हमें दिया हुआ है 250 वाट होल स्क्वायर और रेजिस्टर क्या है 937.5। अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये तकरीबन 66.66 होगा, यानी वाट, यानी इसको हम 67 वाट लिख सकते हैं, 76 वाट हम इसको लिख सकते हैं। तो आंसर देखो क्या आता है, बी आंसर हाईलाइट कर देता हूँ, बी आंसर आपका आ गया, ठीक हो गया। अब नौवा क्वेश्चन है, एम्पियर इंटू सेकंड कुड बी द यूनिट ऑफ। अब नाइन्थ का क्वेश्चन जो है उसका वो चार्ज का है, ये जो है एम्पियर इंटू सेकंड वो क्या है, चार्ज। आप फार्मूला जरिए निकाल सकते हैं कि एम्पियर इज इक्वल कूलम्ब अपान में टाइम, तो टाइम इधर चाहे चला जाएगा, कूलम चार्ज किसकी है, कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। तो आप इसका नाइन्थ क्वेश्चन का क्या होगा, डी चार्ज होगा। अब इसमें दसवें क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज द वाट। अब इन चारों क्वेश्चंस में ऑप्शंस में हमें देखना है कि वाट कोई नहीं है इसमें से। अब दो वाट हो के एक वाट नहीं भी हो सकता, अब तीनों वाट हो सकते हैं, नन ऑफ हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दसवें का वो बी है, यानी वोल्ट पर एम्पियर पर वोल्ट जो है वो हमेशा वाट के बराबर नहीं होता। अब 11 किलो वाट हावर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम एज ऑप्शन सी, क्योंकि 1 किलो वाट और जोल जो है वो एक सेम ही होते हैं, क्या होते हैं, एक सेम जैसे सेम ही होते हैं।
आपका जो ये आंसर होगा वो होगा सी होगा। अब आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पर एन इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ 5 एम्पियर सेम एज ये होगा, ये जाहिर बात है ए सॉरी ये होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वही पिछली वाली जो एमसीक्यू था 11वां वही जैसा है, क्योंकि जब एम्पियर क्या है एम्पियर के 1 कूलम्ब चार्ज पास हो 1 सेकंड में, तो ये भी सेम है 5 एम्पियर चार्ज होगी तो 5 कूलम्ब पर 5 कूलम्ब चार्ज होगी 1 सेकंड में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब 13वां क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम के जी एंड हैविंग एन चार्ज ऑफ ई कूलम्ब ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई वोल्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी ई वी जूल्स, ये हमेशा आपको याद करना होगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने नहीं पढ़ाई है तो इसलिए ये मैंने एमसीक्यू ऐसा रख दिया है कि आपको काम आ सकते हैं, इंटर टेस्ट में आ सकता है, इवन बापटा की जो एसडीओ या जूनियर इंजीनियरिंग जी जो टेस्ट होती हैं उसमें ये ज़रूर अंशा आ सकता है, इसीलिए आपके मालूमात के लिए ये 13वां क्वेश्चन एन बी है। आते हम 14 नंबर क्वेश्चन पर। वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज गिवन बाय, अब ये हमें देखना होगा किस पर, स्केच बुक पर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 14वां क्वेश्चन। 100 था इंटू मिली एम्पियर, मिली नहीं हो किलो किलो एम्पियर, किलो एम्पियर इंटू मेगा एम्पियर सॉरी माइक्रो 10^6 एम्पियर्स, और अपान में क्या था 100, यहाँ पर मिली एम्पियर था 10^-3 एंड इंटू 10 एम्पियर। अब ये एक प्लस का है ये एक माइनस था 6 से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये 100 में कैंसिल हो गया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10^-3 एम्पियर और 10^-3 यहाँ भी एम्पियर और इंटू 10 एम्पियर, तो ये भी कैंसिल हो गया, बाकी जो रह गया वो 1/10 एम्पियर, इसका जो आंसर आएगा वो 0.1 एम्पियर। देखते हैं ये भी किस आईने में आता है, किस ऑप्शन में 0.1 बी में, ठीक हो गया इसका भी बी आंसर। अब 15 नंबर क्वेश्चन, सर्किट टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि दो अनइक्वल रेजिस्टर पैरेलल में, तो इसमें क्या होगा करंट इन सेम इन बोथ, ये नहीं होगा क्योंकि करंट सेम होगा तब जब इक्वल रेजिस्टेंस होगे, लार्ज करंट फ्लो इन लार्जर रेजिस्टर ये भी नहीं होगा, पैरेलल में जब बड़ा कोई रेजिस्टर होगा उसमें चार्ज भी कम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज सेम ये हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हो समझो वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज रेजिस्टर में इक्वल होता है, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, अब कंडक्टेंस क्या है ये उलट है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसका मोहो विच आर द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कॉपर की रेजिस्टिविटी दूसरे मटेरियल की रेजिस्टिविटी ये आपको खुद से याद करने पड़ेगी। अब इसकी क्या है 1.7×10^-6 ओम इंटू मीटर, ये इसका आंसर बी, ठीक हो गया। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको भी। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी हैज पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड एट इन इट्स टू एंड्स,
drift velocity is Vd. If the diameter of the wire is made d by 3, then drift velocity becomes. अब ये एक न्यू टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जब हम मैं इस तरह कहता हूँ इसके ये जो लेक्चर इसके फौरन बाद आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाऊँगा और उसमें से आप फार्मूला देखेंगे और उसमें से ही आप बनाएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है क्या। अब मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि जो 18 नंबर जो है उनका जो आंसर है वो है वी डी। क्या है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे पास 19वें क्वेश्चन पर कि टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 गिवन कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5। अब टू रेजिस्टर्स है उसको हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास वो 4.5 आ रहा है। वन इन सीरीज जब हम सीरीज में एंड वन ओम वन इन पैरेलल देन रेजिस्टेंस आर। अब जब हम इनको पैरेलल कर रहे हैं तो ये 1 ओम हो रहा है। अब हम जब सीरीज में ये 4.5 है तब रेजिस्टेंस कौन से होगी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि 3 + 1.5 = 4.5। अब कोई भी ऑप्शन दूसरा नहीं है कि वो सीरीज में लगाएं और 4.5 आपको दे दे तो ये आपका IQ वाला क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब हमारे आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये 1 to 20 है हो गया MCQs। ये हंडा की बुक से हमने लिए हैं। अब 1 to 20 फिर 21 to 50 और 51 to 80। अब हम 30-30 क्वेश्चन इंशाल्लाह हर लेक्चर में करेंगे। अब बने नहीं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन व्हेन वी हैव थ्री रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। तो ये आपको मैं एक एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ। ऑप्शन कौन सा होगा मैं बता देता हूँ और सोल्व आप कर मुझे इनबॉक्स में आप बता दिखा सकते हैं कि किस तरह आपने सोल्व किया। तो इसका आंसर है डी। अब आप इसका हम मुझे सॉल्यूशन निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इस MCQs के बाद हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं MCQ सीरीज लेक्चर 1। और उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ फिर हम मैं कह रहा हूँ कि चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।